एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है, साथ ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन तलाक विधेयक भी पास कर चुकी है, फिर भी तीन तलाक के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे। मामला सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके के एक गांव का है, जहां दहेज में कार न मिलने से एक शख्स ने अपनी नई नवेली दुल्हन को तलाक दे दिया, साथ ही कानूनी कार्रवाई करने पर परिजनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकी भी दी। एक तारीख को मेरा निकाह हुआ था और तीन तारीख को मुझे तलाक दे दी थी एक्सक्यूज में, और कहा कि कार और मोटरसाइकिल लेके आइए जब रखेंगे, उसके उसमें वो हमारे पे बनानी, तो उसने मुझे तलाक दे दी। कैसे दी मैंने तलाक? तीन दफे कह दिया तलाक। थाना मिर्जापुर में एक युवती उपस्थित होकर अपने एप्लीकेशन दिया है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कि तीन बार तलाक बोल के इनको तलाक कर दिया है, और वजह यह है कि उनसे दहेज में मोटरसाइकिल और पैसे मांगा जा रहा है, दहेज के सामान मांगा जा रहा है, ना देने की स्थिति पे लड़की को तीन बार तलाक बोल दिया गया है। इसी में कंप्लेन किया है लड़की ने। अब हम लोगों के द्वारा इंक्वायरी किया जा रहा है, जो भी साक्ष्य और सबूत मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।